हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और ठंड स्टार्ट हो गई है और बाज़ार में बहुत ही बढ़िया और फ्रेश गोभियाँ आ रही है। तो चलिए आज हम बहुत ही अलग तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक गोभी और आप देख सकते हैं गोभी बिल्कुल ही फ्रेश और ताज़ा है। और अब हम नाइफ से गोभी के पीछे वाले डंठल को कट कर लेंगे और इस तरीके से हम पीछे से गोभी के एक एक फ्लावर को उसके डंठल के साथ कट कर लेंगे, जिससे गोभी का फ्लावर बिल्कुल प्रॉपर शेप में कटेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक एक करके गोभी के सारे फ्लावर कट कर लिए हैं और इसके एक्स्ट्रा डंठल को भी कट कर लेंगे और इसे बीच में से काट के हम फ्लावर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे गोभी के फ्लावर कट कर लिए हैं और जो बड़े बड़े फ्लावर हैं हम उसे भी बीच में से कट कर लेंगे, जिससे गोभी का प्रॉपर शेप आएगा। और अब आप देख सकते हैं मैंने सारे गोभी को कट कर लिया है और अब हम पानी में डाल के एक से दो बार गोभी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे गोभी पर लगा धूल और मिट्टी अच्छे से साफ हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने धो के इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और अब हम आलू लेंगे। आलू को यहाँ मैंने एक से दो बार अच्छे से धोकर इसका मिट्टी साफ कर लिया है और अब हम इसे पीलर से अच्छे से इस तरीके से छील लेंगे और इसका छिलका निकाल लेंगे। आप चाहे तो बॉईल करके भी आलू का यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छे से छील लिया है और अब हम आलू को नाइफ से बड़े बड़े टुकड़ों में दो भाग में कट कर लेंगे। आप चाहे तो छोटे भी टुकड़े इसके काट सकते हैं। और अब हम आलू को भी धो करके अच्छे से इसे भी साफ़ कर लेंगे। और अब हम एक कुकर लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कुकर को हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे और इसमें दो चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें एक एक करके सारे गोभी के टुकड़े डालेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे गोभी को डाल करके गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे कुकर में हम गोभी को चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे, जिससे गोभी का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। हम इसे हाई फ्लेम पे एक मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे, जिससे गोभी हमारी फटाफट से अच्छे से भुन जाएंगे। और आप देख सकते हैं गोभी भुन गए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप फटाफट से लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और अब हम सेम कुकर में ही आलू डालेंगे। आलू को यहाँ मैंने आधे कट किया है तो हम इस तरीके से आलू डालकर इसके ऊपर एक चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और गैस का फ्लेम इस समय पे मीडियम रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे आलू को हम अच्छे से पलटते हुए गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे, जिससे आलू हमारे जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और अब हम इसे एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए नमक के साथ भून लेंगे। और आप देख सकते हैं आलू अच्छे से हमारा भून गया है और इसमें सुनहरा कलर भी आ गया, तो हम इसे सेम प्लेट में ही निकाल देंगे। और अब हम सेम कुकर में ही एक चम्मच तेल डालेंगे और अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और यहाँ मैंने लिए खड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, दालचीनी और एक फूल चक्री। और अब हम इन सभी गरम मसालों को ऑयल में डाल करके इसे चटकने देंगे और दो हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। एक तेज पत्ता डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, जिससे प्याज हमारे जल्दी गलेंगे। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसे फिर से एक बार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और सुनहरा कलर आने तक हमें इसे भूनना है। और आप देख सकते हैं प्याज में कलर आ गया है। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप अदरक लहसुन खाते हैं तो आप इसे ऐड करें, यानी तो आप अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट डाल सकते हैं। अब हम इसे भी चलाते हुए भून लेंगे और अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच और आधे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें तीखे के लिए एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें
दो से तीन चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मसालों के साथ चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाला हमारे जलेंगे नहीं और अच्छे से भुनेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ एक टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हम मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए पकने देंगे। और आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक गए हैं। और अब हम इस टाइम पे हम इसमें हरे मटर डालेंगे। हरे मटर का सीजन स्टार्ट हो गया है और बाज़ार में हरे मटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, तो हरे मटर डालकर हम इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए गोभी और आलू डालेंगे और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और इस टाइम पे 20 से 25 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और गरम मसाला कसूरी मेथी को भी मसालों के साथ अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे से दो मिनट के लिए मसालों के साथ भून लिया है। और अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे। पानी आप अपने सब्जी के अनुसार ही डालें। और पानी डालकर गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे गोभी और आलू के साथ अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पे एक से दो सीटी आने देंगे। और आप देख सकते हैं कुकर में सीटी आ गई है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं कुकर ठंडा हो गया है। हम इसका ढक्कन लगा खोलेंगे और आप देख सकते हैं सब्जी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। हमारा गोभी और आलू बहुत अच्छे से पक गया है, लेकिन सब्जी हमारे बिल्कुल भी मैशी या मैश नहीं हुए हैं। और अब हम इसे आलू को कट करके दिखाती हूँ। आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और गोभी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और आप देख सकते हैं सब्जियाँ हमारी बहुत ही बढ़िया हलवाई स्टाइल बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप झटपट से आलू गोभी और मटर की सब्जी इजी और इंस्टेंट बना के तैयार कर सकते हैं। और सब्जी हमारी देखने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट दिख रही है। जितना आसान इसे बनाना है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा ये फ्लेवरफुल होती है। तो आप इस तरीके से बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, नान, चपाती या चावल किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरीके से बिना झंझट के आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत पसंद आने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में। और इस रेसिपी को आप आपके घर पे गेट टुगेदर हो या मेहमान आने वाले हो तो भी आप इसे ईजिली बना सकते हैं।